anime. So what is anime, or sometimes it is called Japanimation in America? What is it? तो anime कुछ नहीं है, just एक animated series ही मान के चलिए जो जापान में बनाया जाता है. वो एक मतलब मान के चलिए जापानीज कल्चर का हिस्सा है एनीमे. बट हम लोग इंडियंस इस आर्ट को समझ नहीं पा रहे, मतलब शायद फ्यूचर में समझ पाए या मालूम नहीं, बट अभी हालात तो बहुत ही ख़राब है. मतलब एनीमे, मतलब एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरा दोस्त भी बहुत एनीमे देखता है, मैं तो एनीमे इसका फ़ैन हूँ, मैं एनीमे देखता ही हूँ. तो एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरा दोस्त, मेरे फ़ोन में कुछ अभी टोक्यो घूस का सीज़न 3 चल रहा है, तो उसी का एक एपिसोड देख रहे. तो बीच में एक भाई साहब आए, बोलने लगे कि क्या यार तुम लोग बड़ा हो गया, अभी भी कार्टून देख रहा है, कार्टून. तो मैं कहना चाहूँगा भैया, एनीमे और कार्टून अलग है, प्लीज़ दोनों को कंपेयर मत करो. इसी मुद्दे पे एक दिन, मतलब आशीष चंचलानी को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने भी इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाला था, डेथ नोट देख रहे थे, तो उन्होंने उसमें कोई एक जन का मतलब डीएम किया उनको कि टू शिटी कार्टून्स. तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेके वो फिर डाले लिखे कि दिस इज़ व्हाई इंडियंस एनीमे इंडिया में फेमस नहीं है. तो इंडिया में क्या चलता है, क्या चलता है दिखाऊं, एक से ये चलता है. छोटा भीम, मोटू पतलू, माइटी राजू और कितने सारे कचरे शोज है. मतलब अभी तो मतलब आप कार्टून चैनल्स खोलोगे तो मतलब अभी तो कोई ढंग का कार्टून मिलता ही नहीं है. इवन दो अच्छे मतलब चैनल्स थे, एक था वो टोनामी, दूसरा था एनीमैक्स. एनीमैक्स को तो पता नहीं क्या हो गया, एनीमैक्स को हटा दिया गया. एनीमैक्स एशिया जो नेटवर्क है उस वो एक्चुअली सोनी चलाता है. तो अचानक क्या हुआ, एक दिन टीवी में आया कि एनीमैक्स को हटा दिया जा रहा है, उसके जगह एक दूसरा चैनल आ रहा है सोनी या बोल के, जिसमें वही फालतू इंडियन कार्टून्स एनिमेशन के नाम पे धब्बा है, और बाकी तो बात ही नहीं करना है क्या है. तो जब मतलब सोनी के जो मतलब इंडियन जो मेन सीईओ है इंडिया में, जो सोनी का सब कुछ मतलब संभालते, उनको पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तो उनका यही जवाब था कि एक तो मतलब एनिमेज के जो राइट्स है वो बहुत ही महंगे हैं, और चलो महंगे तो ठीक, वो लोग वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन व्यूज़ नहीं मिल रहे उन लोग को. इंडिया में जो एनीमे का जो मार्केट है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम लोग एनिमेज के बारे में जानते हैं, और अगर एनिमेज गलती से देख भी लेते तो वो लोग कार्टून बोल देते उसको. हम लोग बचपन में टीवी में देते थे बेब्लेड, पोकेमोन, फिर ड्रैगन बॉल जी, ये सब पहले नारुतो, ये सब पहले हिंदी डब्ड में देते थे. तो ये सब मैं पहले सोचता था ये सब नॉर्मल कार्टून्स है, मुझे तो बाद में पता चला कि एनीमे एक अलग चीज़ है, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये पता चला. मैं इतना दिन कर क्या रहा था. तो कि मेरा पर्सनल फेवरेट एक था वो कोची काम है,
बहुत ही फनी था, बहुत ही मज़ा आता था देखने में। तो ये सारे कार्ट सॉरी का, देखो मैं कार्टून्स बोल रहा हूँ, वाह। तो ये सारे पहले जो देते थे, अभी इन सब को हटा दिया गया ही, और अभी वो आलतू फालतू अभी दो, बस दो मेन मतलब एनीमे बोल, मतलब बहुत ही माइनर एनीमेज के अंडर में आते हैं वो। एक वो शिनचैन, दूसरा डोरेमोन। मतलब इन लोग को आप एनीमेज बोल सकते हो, इन लोग का जो मतलब क्रिएशन हुआ जापान में हुआ है, मतलब डोरेमोन का भी मांगाज बनते हैं, बट ये बहुत माइनर चीज़ हो गया। मतलब एनिमेज इन दोनों को देख के आप एनिमेज को नहीं समझ सकते, एनिमे क्या है, एनिमे का एनिमे एक्चुअली है क्या। तो मैंने जैसा कहा, एक मतलब सीरीज जैसा चलता है, वो एनिमेटेड रहता है, और उसका कंटेंट जो रहता है, माइंड यू उसका कंटेंट जो रहता है वो बिल्कुल भी बच्चा वाले नहीं रहते, उसका कंटेंट बहुत ही मैच्योर्ड होता है। शायद मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इंडियन मतलब इंडिया में एनीमे का क्रेज है, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब बच्चे एनीमे नहीं देखते क्योंकि पेरेंट्स उन लोग शायद मतलब जो एनीमे का जो मतलब कंटेंट है वो तो थोड़ा मतलब मैच्योर्ड है ना, मतलब वो शायद इंडियन पेरेंट्स शायद अपने बच्चों को ना दिखाना चाहे, तो इसी वजह से मतलब एनिमैक्स भी हट गया। और अभी दो दिन पहले मैंने ट्विटर में भी टाटा स्काई वालों को भी लिखा कि टूनामी का क्या हुआ, तो वो लोग ने जवाब दिया कि ब्रॉडकास्टर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि टूनामी उस दिन तक बंद रहेगा, अब वापस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, पकड़ते कि नहीं आएगा। तो टूनामी भी गया, टूनामी में बहुत अच्छे अच्छे शोज दे देते हैं, क्या बोलूँ अब बचा ही क्या। और कार्टून नेटवर्क तो बोलो ही मत, अब पोगो, अरे बाप रे, छोड़ो। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं जब फर्स्ट एनीमे में आया, मेरे को मैं फर्स्ट एनीमे जो देखा था वो था नारुतो। ऑफ कोर्स नारुतो, मैं अगर आप लोग में जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एनीमेज के बारे में नहीं जानते हो बट एनीमेज देखना चाहते हो, घुसना चाहते हो इस कल्चर में, तो मैं आपको दो तीन एनीमे रिकमेंड करूँगा अब बिगिनर्स के लिए। जैसे फर्स्ट हो गया वो नारुतो, फिर वन पीस, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दो तीन है एक्चुअली, ऊपर भी है मांगाज रखे हुए वन पीस के। वन पीस भी मुझे बहुत ही पसंद है, वन पीस। फिर हो गया आपका डेथ नोट, ओ माय गॉड, डेथ नोट तो मतलब अगर आप देखोगे एक एपिसोड भी अगर आप देखोगे ना, आप छोड़ नहीं पाओगे, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। अब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप एक बार डेथ नोट जाके देखो, फिर आके मेरे को कमेंट में आप खुद आके थैंक यू बोलोगे, ये मेरा गारंटी है। तो इंडिया में चलता क्या है, एक तो वो घटिए से कार्टून्स, और वो सास बहू वाले अजीबोगरीब डेली सोप्स जो कि मतलब नॉनसेंसेस है, वो एकता कपूर वाले सीरियल्स मैं बात भी नहीं करना चाहता। प्यूडीपाई ने थोड़ा मजाक अपने एक वीडियो में मजाक क्या उड़ा दिया एकता कपूर के, तो मतलब आग जल गई दिल में, वो छोड़ दो। तो जैसे मैंने कहा नारुतो या फिर डेथ नोट, अब हाँ तो एनीमे हम लोग को सिखाता क्या है, जो कि एक नॉर्मल कार्टून या फिर ये गधे डेली सोप्स नहीं सिखाते हम लोग को। एनीमे हम लोग को रियलिटी के करीब लाता है, हम लोग को ये सीख देता है कि कुछ भी हासिल करने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है। अगर आप नारुतो देखोगे, कुछ भी नारुतो देख लो, वन पीस देख लो, उसमें तो ये मैसेज आपको हर एक एपिसोड में आपको मिलेगा कि कुछ भी हासिल, स्पेशली मैं नारुतो आप लोग को जाके देखो, मतलब फर्स्ट एपिसोड में ही आप मतलब इमोशंस भरे ना इतने, और मतलब रो पड़ोगे। प्लस ये जो मैसेज है, कुछ भी हासिल करने के लिए इजी नहीं होता कुछ भी,
मेहनत करना पड़ता है तब जाके कुछ होता है, जो कि हम लोग के कार्टून्स में ऐसा नहीं होता। कार्टून्स में एक लड्डू या फिर एक समोसे खा लो तो पूरी दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। तो जापान के जो बच्चे होते हैं वो क्या देख के भरे होते हैं, ये नारुतो हो गया, तो इतने अच्छे अच्छे एनिमेज देख के वो भरे होते हैं। हम लोग के जो इंडियन बच्चे हैं वो क्या देख के भरे हो रहे हैं। हम लोग तो चलो, हम लोग चाइल्डहुड में बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स तब आते थे, मैं डिनाई नहीं करूँगा कि कार्टून्स बुरे हैं, कार्टून्स अच्छे थे। जैसे मैं बोलना चाहूँगा स्कूबी डू, फ्लिंटस्टोन, जेटसंस, जॉनी ब्रावो, पॉप अप गर्ल्स, ये सब क्लासिक कार्टून्स थे, मतलब जो पहले देते थे कार्टून नेटवर्क में, मतलब सुपर। अगर मैं अभी भी कभी कभी ऑनलाइन देखता हूँ स्कूबी डू, मेरा पर्सनल फेवरेट था, ये सब अच्छे कार्टून्स थे। और अभी तो कार्टून नेटवर्क तो पूछो ही मत, वो हर समय वो रोल नंबर 21 नॉनसेंस, एकदम फालतू वो चलता रहता है। और पोगो में तो छोटा भीम है ही, निक का तो अपना मोटू पतलू है ही। तो अगर आप नए हो इस एनीमे के बारे में, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो जाके देखो जो जो मैंने सजेस्ट किया। और अगर आप एनिमेस देखते हो तो प्लीज़ मेरे को भी कुछ एनिमे सजेस्ट कर देना। मेरे पास भी मैंने बहुत सारे एनिमेस देखे, जैसे मेरा अभी करंट तो मैं टोक्यो गो सीज़न 3 देख रहा हूँ और माय हीरो एकेडमिया का सीज़न 3 देख रहा हूँ। माय हीरो एकेडमिया तो मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त है एकदम। माय हीरो एकेडमिया हो गया, वन पंच मैन हो गया, फिर बाकू मैन, फिर डुरारारा तो बेस्ट है, बेस्ट। मैंने मेरा ऑल टाइम फेवरेट अगर कुछ एनिमे रहेगा, नारुतो छोड़ दो, वो तो सबका ये फेवरेट है, उसको छोड़ के तो मैं डुरारारा का नाम लूँगा, बेस्ट है। और फिर डेथ नोट हो गया, डेथ नोट भी बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियसली बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि डेथ नोट, नारुतो, वन पीस से चालू करें। और ब्लीच ये सब, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप भी एग्री करते हो कि इंडिया में एनिमेस को बढ़ावा नहीं दिया जाता, अगर एनिमेस कोई देख भी रहा है तो उसको बच्चा बोला जाता है, कार्टून्स देख रहा है, ऐसा ऐसा बोला जाता है, फालतू फालतू बातें, गधे लोग। अगर इंडिया अभी भी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी इंडिया के बच्चे वो छोटा भीम के दोस्त के, मतलब छोटा भीम का जो दोस्त है कालिया के मैन बूब्स देखते देखते ही काट देंगे। इवन मैंने मैं ये पॉइंट भूल गया कि एक मैंने कहीं देखा कि एक इंडियन एनिमेशन स्टूडियो है जो मतलब इंडियन एनिमे बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे फर्स्ट टाइम लगा नहीं कि ये इंडियन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलो इंडियंस लोग एक दो स्टूडियोज़ है जो ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट बेटर करने की। तो अगर आप तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में कौन सी एनिमे आपको पसंद है, कुछ कुछ एनिमेज मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। अगर कुछ एनिमेज के बारे में मैंने जो नेम्स लिए तो उनके बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट में दो। और मेरे जो पीछे मांगाज है, मैं एक मांग दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वन पीस का मांगा है। मैं देखिए, हाईली रिकमेंडेड। अगर आप वन पीस सीरीज नहीं देख रहे तो वन पीस मांगा पढ़ना, मांगा बेस्ट होते हैं। मैं वन पीस का एक्चुअली मांगा पढ़ रहा हूँ, एनीमे नहीं देख रहा हूँ, वन पीस का मांगा पढ़ रहा हूँ। तो आप एनीमे भी देखते, मांगा एक्चुअली इंडिया में बहुत कॉस्टली आते हैं, तो
सब लोग एफोर्ड नहीं कर पाते, आप ऑनलाइन भी मांगा पढ़ सकते हो, तो अगर हो सके तो पढ़िएगा और कमेंट में मुझे बताइए आपको कैसा लगा, कौन सा एनिमे आपको पसंद है और मुझे कुछ सजेस्ट भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड